आज हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस के रेफरेंस से हम डिस्कस करेंगे, जिसका 4.1 आर्टिकल है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हम समझने के लिए एक रॉड लेते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम तीन पॉइंट मेंशन करते हैं, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है और एक ये क्या है सी पॉइंट, ठीक है। इन तीनों के ऊपर F1, F2 एंड F3 फोर्सेस लग रही है, ठीक है जी। पैरेलल पैरेलल मींस क्या होता है कि टू ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के साथ कंसाइड ना करती, इन ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज हम उसको कहते हैं दे आर अ पैरेलल। तो पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो डैट्स आर अ पैरेलल टू ईच अदर। मसलन F1 और F2 यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, डैट इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है जी। और इसी तरह ही हमारे पास F2 और F3 यानी कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, डैट इज कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट डायरेक्शन, दे हैव अ ऑपोजिट डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन आपस में क्या है ऑपोजिट है। लेकिन इन दोनों फोर्सेस को मसलन देखें, ये आपके पास F2 है और ये आपके पास F3 है, इनको हम जितना मर्जी एक्सीड कर लें, बढ़ा लें, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कंसाइड नहीं करेंगे। तो पेज नंबर 86 के ऊपर इसकी दो पिंक ब्लॉक की डेफिनेशंस हैं, वही बस आपने याद करनी है, ठीक है। इसकी मैं आपको दूसरी और एग्जांपल्स भी बताता हूँ जो कि आपकी बुक के ऊपर मेंशन है। मसलन एक स्टैंड है, उसके ऊपर आपने एक एप्पल को हैंग किया हुआ है, ठीक है जी। एक एप्पल को आपने क्या किया हुआ, हैंग किया। जब आप एप्पल को हैंग करेंगे तो जाहिर बात है एप्पल का जो वेट है वो डाउनवर्ड अमल करेगा। अब जिस डोरी के साथ आपने एप्पल को टाई किया हुआ, बांधा हुआ है, उस डोरी के अंदर क्या होगी, टेंशन जो होगी वो अब प्रोड्यूस होगी, जो कि क्या होगी, टी होगी। अब टेंशन और वेट दोनों क्या है, सेम होंगे, यानी कि जितना वेट होगा उतने ही डोरी के अंदर क्या होगी, टेंशन होगी। तो टेंशन अपवर्ड अमल कर रही है और वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड अमल कर रहा है। अब ये दोनों क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी कि ये दोनों फोर्सेस, एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, दे आर आ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसी तरह ही एक एप्पल एक बकेट के अंदर पड़े हुए हैं, मसलन ये एक बकेट है, इसके अंदर कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हर बॉल का वेट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड अमल कर रहा है, ठीक है। और दे आर एग्जाम्पल ऑफ द पैरेलल लाइक पैरेलल फोर्सेस, बिकॉज ये फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो डैट इज कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। आपको आके आपका 4.2 आर्टिकल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस क्या है, एडिशन ऑफ फोर्सेस है कि रिजल्टेंट ऑफ द सिंगल फोर्स दैट हैज़ अ सेम इफेक्ट्स एज अ कम्बाइंड ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड, यानी कि किसी जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सेस क्या कर रही हों, अमल कर रही हों, ठीक है। मसलन एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल है, एक रिंग है, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F1, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है F2, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है F3, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है F4, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है F5, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ये दोनों फोर्सेस इस फोर्सेस को कैंसिल कर देंगी, और ये जो F5 है इस डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, डैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो एडिशन ऑफ फोर्सेस होती है उसको हम ग्राफिकल मेथड के जरिए क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल मेथड इसका होता है हेड टू टेल रूल। क्या होता है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है, हमने पिछले लास्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था कि जो फोर्स होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका हेड, एक होता है उसका टेल, यानी कि ये सेगमेंट लाइन है, सेगमेंट लाइन की बॉटम लाइन जो उनसी होती है उसको हम टेल कहेंगे और टॉप लाइन को हम क्या कहेंगे, डैट इज कॉल्ड हेड, वो हमारा क्या होगा, हेड होगा। कहते हैं अगर दो फोर्सेस को हम ऐड करें, क्योंकि याद रखें जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं उसको आप ऑर्डिनरी तरीके के साथ प्लस नहीं कर सकते। मसलन एक ऑर्डिनरी तरीके का है 4 kg मास और 3 kg मास, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके को आ जाएगा, 7 kg मास। लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी मेथड से क्या कहते हैं, इसको ऐड नहीं कर सकते। उसको ऐड करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का रूल होता है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल कहते हैं। मसलन आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है जी। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिस्कस करें तो ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब एक ए वेक्टर है जो कि ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेक्टर है जो कि नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू है 4 न्यूटन, ठीक है, और बी वेक्टर की वैल्यू है 3 न्यूटन। अब हम ए प्लस बी करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। मसलन ए वेक्टर आपने क्या कर लिया,
ईस्ट की तरफ ड्रॉ कर लिया और बी वेक्टर आपने नॉर्थ की तरफ ड्रॉ कर ली। जो बी की टेल है वो ए के हेड के साथ क्या करेगा, कंसाइड करेगा, डैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब इन दोनों के ऐड करने से ये जो वेक्टर हमारे पास आएगा डैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, डैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और याद रखें जो रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होता है वो सेकंड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड करेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ क्या करेगी, कंसाइड करेगी। तो जब हम इनको हेड टू टेल रूल को क्या हेड टू टेल रूल के जरिए से ऐड करेंगे तो याद रखें इसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू भी होगी। क्लियर होगी बात की। इसलिए आपकी 4.1 एग्जांपल है, ठीक है, वो भी आपके क्या कहते हैं हेड टू टेल रूल पड़ा है जिसको आप खुद से क्या करें ड्रॉ करेंगे, जिसमें तीन फोर्सेज हैं, F1 है 12 न्यूटन, F2 है, ये 4.1 एग्जांपल नंबर आपकी, ठीक है जी। F2 आपके पास 8 न्यूटन है और F3 आपके पास क्या है 8 न्यूटन। उन्होंने साथ इसके एक्सिस भी ड्रॉ किए हुए, यानी कि ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस पर है लेकिन 45 डिग्री के ऊपर है, और ये 8 न्यूटन क्या है आपकी वाई एक्सिस पर है, ठीक है जी। इसको ड्रॉ करने का तरीका कार ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग कर लेंगे, इसका स्केल बनाएंगे। मसलन आप कह लेते हैं 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आपके पास सारी इवन नंबर्स रीडिंग है, तो 12 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर और 8 न्यूटन इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तहत अगर ड्रॉ करते हैं, ये आपके पास ईस्ट है यानी कि एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस आपके पास नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस आपके पास पॉजिटिव है, और ये वाई एक्सिस आपके पास क्या है नेगेटिव। तो जब आप इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, F1 आपके पास 12 न्यूटन है तो आप 6 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस के साथ लाइन लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास स्केल है। उसके बाद उसने 8 न्यूटन का 45 डिग्री, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, अपना प्रोटेक्टर रखेंगे यानी कि डी रखेंगे, और यहाँ पर रखकर 45 की डिग्री के ऊपर रखकर इसको मेंशन करेंगे और 4 सेंटीमीटर की क्या करेंगे लाइन कर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे 4 न्यूटन की लाइन अपवर्ड ड्रॉ करेंगे क्योंकि उसने बोला है वाई एक्सिस के ऊपर क्या कहते हैं फोर्स लग रही। तो जब आप इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इसको आपने खुद घर में बैठकर क्या करना है, प्रैक्टिस करना चाहिए।